हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है, समझे? हम बात कम करते हैं और मारते ज्यादा है। तुम वहां मत देखो, हमारे साथ बात करो। हाँ, चॉकलेट इसको देना संतू। हाँ, इसी को दे रही थी। हाँ, दे देना। और ये जो अभी हमने कहा ना, ये डायलॉग नहीं है, हम हकीकत बता रहे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हमको सच बताओ कि ये बच्चे किसके हैं। हम सच कह रहे हैं, आप विश्वास कीजिए हमारी बात का। इशिका हमारी बेटी है, बेटा बताओ ना मैडम जी को। ये हमारे पापा है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए ना मैडम जी, बच्ची भी बोल रही है। बच्ची को डरा धमका के हमको कुछ भी चिपकाओगे तो हम मान लेंगे क्या? टोपा लिखा है यहाँ पे। नहीं मैडम जी, ईशा बिना माँ की बच्ची है। पिछले साल हमारा नौकरी चला गया, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। हम एक न्यूज़पेपर में एक मॉडलिंग एजेंसी का एड देखे तो हमको लगा चार पैसे कमाने का रास्ता मिल गया हमको। हम सिर्फ ईशा से मॉडलिंग करवाते हैं, उससे चार पैसे मिल जाते हैं, हमारा घर चल जाता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते मैडम। पुष्पा जी एक सेकेंड। बेटा अभी तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम एक छोटी सी मॉडल हो, सच है वो? आप जिन जिन के साथ फोटो शूट करती हो तो आप तो उनको अच्छे से जानती होगी। नहीं, कभी तो किसी ने तुमसे ऐसा कुछ कहा होगा जो तुम्हें याद होगा। हमसे तो सारे अंकल बात करते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, वेरी गुड बेटा। कोई चिप्स देता है तो कोई चॉकलेट। एक मिनट, इनको जानती हो? हाँ, इन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था। अच्छा, चॉकलेट दिया था। कहाँ हुआ था ये फोटोशूट? ये चौक के पास जो चिल्ड्रन पार्क है ना, ये वहाँ पे हुआ था, है ना ईशा? पर एक सेकंड, इसका बैकग्राउंड तो किसी के घर के कमरे का लग रहा है। मैडम, इसने पक्का बैकग्राउंड चेंज किया होगा, एक बार को तो मैं भी धोखा खा गया। समझ में नहीं आ रहा ये इंसान है कहाँ पे। जिस दिन हमारे हाथ लगेगा ना, ऐसा मारेंगे उसको कि किसी औरत को ठगना तो दूर, देखेगा भी नहीं। मैडम, हमको पता लगेगा तो हम सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। अभी हम जाए मैडम? हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन देखिए, जब तक ये केस पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता ना, हमारी अनुमति के बिना आप लखनऊ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी मैडम जी, चलो बेटा चलो। सुनिए, जाते जाते ना एक बात और समझते जाइए आप, आपकी बच्ची ना अभी बहुत ज्यादा छोटी है, उसको अच्छे और बुरे में समझ नहीं है अभी, तो आप उसका पालन पोषण ना अच्छे से करो। हम जानते हैं अभी थोड़ा दिक्कत है आपके पास काम का, लेकिन जो मेहनत करता ना उसके पास काम की कभी कमी नहीं होती है। जी मैडम जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी, आज से हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो बेटा। हमसे तो आपकी मुलाकात रह गई, आप कुछ अपनी कहिए, हम कुछ अपनी सुनाएंगे, और जब हम सुनाएंगे तो सब सुनते रह जाएंगे। मैडम जी, हम वो करिश्मा मैडम को सब कुछ बता दिया है। जी, हमको सब कुछ बता दिया है, हमने पूछताछ कर ली है। मैडम सर, इनको जाने दीजिए, इनका केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक गरीब और मजबूर पिता है जो अपना फर्ज भूल गया था, जो शायद हमने इनको याद दिला दिया है। एक बात का एहसास हम भी आपको कराते हैं करिश्मा सिंह, आप गलत कर रही हैं। क्योंकि ये करिश्मा सिंह बोल रही है इसलिए ये गलत है। हाँ, हमने आपसे कहा था कि डीएसपी सर को सॉफ्ट ऑफिसर जो होते हैं वो समझ में नहीं आते, इसलिए आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में एक गरीब बाप को बलि का बकरा बना रही हैं। 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप जैसे जिम्मेदार अफसर को इतनी सी बात तो पता ही होगी, हमें तो पता है। करिश्मा सिंह, हम किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये आदमी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और ये हमारी गुजारिश नहीं है, हमारा ऑर्डर है। नहीं मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंतजार किसका कर रहे हैं। वही जिसको मैडम सर ने बुलाया है। किसको? वही जो अभी आने वाला है। तुम जानती हो उनको? नहीं, अभी जब आएगा तब पता चलेगा, तब मैं आपको बता दूंगी। मैडम सर, अगर ये मुजरिम है तो आप इसको जेल में डाल दीजिए ना, और अगर नहीं है तो भेज दीजिए ना। या फिर आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, फोटो से निकल कर बाहर आएंगे और बोलेंगे हम मुजरिम हैं, हमें अरेस्ट कर लो, हमें जेल में डाल दीजिए, ऐसा होने वाला है आज। मैडम सर, ये रहे मून स्टार मॉडलिंग वाले भाई साहब। लो, खोदा पार निकला चूहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और कहीं आपको ये तो मुजरिम नहीं लग रहा ना मैडम सर? ये मुजरिम नहीं, मददगार है। कई बार जिंदगी में चीजें आंखों के इतने करीब होती हैं कि हम उसे मिस कर देते हैं, हम उसे देख नहीं पाते। हम इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही इस बच्ची के जरिए उस फोटो वाले आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये आदमी इस बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, करेक्ट? फिर हमने इस पूरी सिचुएशन को जरा एक कदम पीछे हट कर देखा। हमें लगा कि हमारी नजर में जो इंसान फायदा उठा रहा है
हो सकता है कोई और उसका फायदा उठा रहा हो। इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने कॉन्टैक्ट किया इस मॉडलिंग एजेंसी के आदमी को, उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो इस बच्ची के साथ फोटो में है। जी मैडम सर, मैडम ने मुझे इस शख्स के बारे में पता करने को कहा और मैंने लखनऊ के सारे कास्टिंग डायरेक्टर, मॉडलिंग एजेंसी और एक्टिंग इंस्टीट्यूट सबको इसकी फोटो भेजी और आज सुबह ही मुझे पता चला कि ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो छोटे मोटे प्रिंट शूट कराता है। नमस्ते मैडम। आपको ये बच्ची याद है? आपने इसके साथ एक फोटो शूट किया? जी, मैंने इसके साथ फोटो शूट किया था। करेक्ट। वो किसने करवाया था? ये है मैडम, ये इसने मुझे अप्रोच किया था शूट के लिए इस बच्ची के साथ और मुझे 3,000 रुपए भी दिए थे। अब आगे की कहानी आप सुनाएंगे या वो भी हम ही बयां करें? इसकी मैया के साथ हम बताते मैडम जी, हम बताते ना। हाँ, ये सब कुछ हमने ही किया है। हमने ही अपनी बेटी की तस्वीरें दूसरे लोगों के साथ प्रिंट शूट के बहाने शूट करके ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर डाला और लोगों से पैसों का फ्रॉड किया। इतना ही नहीं, हमने और भी बहुत सारी औरतों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है, पर हम सच कहते हैं मैडम जी, हम सबके पैसे वापस कर देंगे, बस हमको माफ कर दीजिए। इसका मतलब तुम ही थे घंटाघर पे जो शालिनी से पैसे ले रहे थे? जी मैडम जी। आपने बुलाया था? ये तो वही आदमी है जिससे मुझसे पैसे लिए थे। अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। तुमको ना हम 15,000 एक घंटा मारेंगे, समझ गए तुम? मुझे माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हम अच्छे पापा नहीं, बहुत बुरे इंसान हैं। हम जानते हैं हमको हमारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी उस गुनाह की जो तुमने किया ही नहीं। पुष्पा जी, इसे लॉकअप में डालिए और चार्जशीट फाइल करिए और चाइल्ड सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करिए। जी मैडम सर। चलिए। बेटा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आपकी तरह पुलिस। बहुत अच्छी बात है, खूब मेहनत करो और खूब पढ़ाई करो। बैठ जाओ। शालिनी, सच कहें तो थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें खुद में ऐसी क्या कमी लगती है जो तुम्हें एक डेटिंग ऐप पर जाना पड़ा प्यार ढूंढने के लिए? मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके लिए मिलना पड़ता है, साथ में वक्त बिताना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, और हमें नहीं लगता कि ये ऑनलाइन मुमकिन है। वाह, प्यार और एहसास के बारे में मैडम सर कितना जानती है। नहीं नहीं संतू। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप पर जाना ही गलत है, सही है। वो कहते हैं ना कि प्यार है अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है। शायद आपको डेटिंग ऐप पर ही अपना जीवन साथी मिल जाए, लेकिन इस सब के बीच सावधान रहना बहुत जरूरी है ताकि कोई आपका दिल ना तोड़े, आपका भरोसा ना तोड़े और आपका फायदा ना उठाए। जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत हुआ सम्मान इनका, अब नहीं होने देंगे। पुष्पा जी, आप आइए आइए, बैठिए बाइक पे बैठिए, जल्दी आइए। कहाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं, कहाँ चलने के लिए कह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही मुंह से निकल गया था हमारे। खुली आंखों से कोई सपना देखा क्या?
चेता रहे हैं आपको, जागती आंखों से देखे हुए सपने खतरनाक होते हैं, अक्सर पूरे हो जाते हैं वो। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये सपना तो हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे, चाहे प्रलय आ जाए। नहीं, आप काहे बात को ऐसे खींच रही है च्युइंगम की तरह? हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, मुंह से निकल गया, कुछ नहीं, मतलब आपके चक्कर में बिना हेलमेट के निकल गया वो। मतलब इसमें भी हमारी गलती है? नहीं तो क्या, हमारा गलती है? हम, आपकी आंखें उस तरफ है ना, आपकी नजर उस तरफ है, आपको दिखना चाहिए ना। वो हमको बातों में किसने उलझाया? आपने तो, आपका गलती हुआ। हम थोड़ी ना बातें कर रहे हैं आपसे, आप ही तो आप। अरे ये तो वापस आ रहा है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं जाने देंगे आप। क्षमा कीजिए। देखिए, मानसिक तनाव में थे इसलिए बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, ध्यान ही नहीं गया। बताइए कितने का भरना है? का भरना है? दंड कितने का भरना है? गलती किए हैं, बिना हेलमेट के हम गाड़ी चला रहे थे तो कानूनी दंड तो हमें भरना ही चाहिए, इसलिए तो हम वापस आए हैं। बताइए कितने का चालान काटना है हमारा? नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना गलती मान रहे हो यही बहुत बड़ा बात है, तो जाइए, कोई चालान नहीं। मतलब आप कहेंगी जाइए, हम कहेंगे धन्यवाद और हम चले जाएंगे? हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, इनकलाबी हमेशा कहा करते थे कि अपराध अपराध होता है, भले ही वो भूल वश में किया हो या जान पूछ कर किया गया हो, इसलिए हमने अपराध किया है तो हमें दंड मिलना ही चाहिए। दीजिए। अम्मा तुम एकदम अजीब आदमी हो, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम जाओ, चालान नहीं काटना, तुम अड़े हुए हो, चालान ये दंड दीजिए। जाइए आप, जाइए, हो गया। हाँ, जाइए। देखिए, अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे, अपना कर्तव्य ना करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे।